सब्सक्राइब कीजिए यास्मीन हुमा खान को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही इजी रेसिपी और सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है और सभी के घरों में ये ज़रूर बनाई जाती है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मटर आलू की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने 1/2 kg गोभी ली है, इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है, थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट किया है। एक बड़े साइज़ की गाजर ली है, इसको भी हमने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। एक छोटा बाउल मटर ली है, 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, और एक छोटा बाउल के करीब हमने हरा धनिया लिया है, 3 बड़े साइज़ के टमाटर इनको हमने कट कर लिया है, एक छोटी प्याज है इसको हमने स्लाइसेस में फाइन चॉप कर लिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें, और मसालों में लिया है 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टी स्पून सॉल्ट, 1 टी स्पून ज़ीरा और 1/4 टी स्पून मेथी दाना, 2 पिंच हींग, 2 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी थोड़ी बादी होती है तो हम इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ज़्यादा ऐड करेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 सर्विंग स्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है और इसमें हम सबसे पहले अपनी गोभी को फ्राई कर लेंगे। गोभी हल्की सी फ्राई हो जानी चाहिए, तकरीबन 2 मिनट के बाद में हम इसमें गाजर भी ऐड कर देंगे। तो 2 मिनट के लिए पहले हम गोभी फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने से इसका जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो गोभी फ्राई करके पकाएं। गोभी को तकरीबन हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे गाजर। गाजर के साथ हम 2 मिनट और गोभी को फ्राई करेंगे ताकि गाजर हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और भुन भी जाए। गाजर और गोभी को तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। गोभी का कलर हमारा हल्का सा चेंज हो गया है, इसमें लाइट ब्राउन स्पॉट्स आने लगे हैं। गोभी गाजर को फ्राई करके हमने बाहर निकाल लिया है। कढ़ाई में हमने दोबारा से 1 सर्विंग स्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है, उसको हल्का गर्म कर लिया है। अब इसमें हम तड़के डाल देंगे ज़ीरा, मेथी दाना और हींग, और हल्का सा इसको इन सारी चीज़ों को तड़क जाने देंगे। ज़ीरा मेथी हमारी तड़क चुकी है, लाइट गोल्डन कलर आ गया है इनका, तो अब इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे, इसे लाइट ब्राउन होने देंगे। आप इसकी जगह पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कटी हुई अनियन ज़्यादा बेटर रहती है। अनियन को हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट, इसको कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम सारे मसाले, 30 सेकंड के लिए मसाले को हम सूखा ही भूनेंगे, उसके बाद में पानी डाल डाल कर भूनेंगे। मसाले को तकरीबन हमने 1/2 मिनट के लिए सूखा भून लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, गैस का फ्लेम फुल कर देंगे, और इसी में हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाने चाहिए और मसाला अच्छी तरीके से भून जाना चाहिए। मसाला जितना अच्छा भुना होता है सब्ज़ी का जो टेस्ट है उतना ही अच्छा आएगा। तो मसाले को भूनेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, अभी तो टमाटर का पानी है इसमें। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून गया है, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू और मटर, क्योंकि मटर और आलू दोनों ही कच्चे हैं। गोभी को हम बाद में ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम इतना पानी ऐड कर देंगे कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएं और थोड़ा सा पानी बाकी रहे, ताकि सब्जियां जो हम और डालने वाले हैं
वो भी इसके अंदर से आसानी से एब्जॉर्ब हो कर ले पानी। तो अब हम कवर कर देंगे और आलू और मटर को हाफ डन कर लेंगे। आलू और गोभी में तकरीबन हमने 300 ml के करीब पानी ऐड कर दिया है ताकि आलू और मटर हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएं, यानी कि हाफ डन हो जाने चाहिए। इसके बाद में हम गोभी भी ऐड कर देंगे। तो इसमें मैंने 300 ml के करीब पानी ऐड कर दिया है। इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमारे मटर और आलू को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेंगे। आलू हमारे हाफ डन हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गोभी और गाजर। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। और पानी के खुशक होने तक हम इसको पकाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि गोभी, गाजर और आलू हमारे बिल्कुल सही तरीके से टेंडर होने तक पकाएंगे। इसमें पानी इतना है कि ये सारी चीज़ें पक जाएं इसमें। तो थोड़ी देर हाई फ्लेम करने के बाद में 5 मिनट तकरीबन मैं मीडियम फ्लेम कर दूंगी 5 मिनट के बाद में। तो इस वक्त हम कवर कर देंगे। गोभी की सब्ज़ी को पकते हुए हाई फ्लेम पे 5 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 20 से सिलेक्ट की हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। एक बार और मिक्स कर लेंगे। और स्लो फ्लेम पे इसे दम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए और, ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं हमारी थोड़ी कच्ची हैं वो एकदम से टेंडर हो जाएं। तो बिल्कुल स्लो कर देंगे फ्लेम और 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। गोभी मटर आलू की सब्ज़ी को पकते हुए 5 मिनट और हो चुके हैं और सब्ज़ी हमारी पूरी तरीके से पक चुकी है। इसे मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मिक्स करने के बाद में इसे डिश आउट कर लेंगे। हमारी गाजर मटर गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसको रोटी के साथ, पराठों के साथ या फिर पूरी के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।